लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिन भर तेज तो कभी रिमझिम बरसे मेघ, 24 घंटे में सवाई माधोपुर में सर्वाधिक 70 एमएम बारिश सवाई माधोपुर। मानसून पिछले 3 दिन से मेहरबान है। शुक्रवार को सुबह से शाम तक कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश हुई, इससे मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वे बुआई में जुट गए हैं। जिला मुख्यालय पर सुबह बादल छाए रहे, सुबह से शाम तक थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में कभी तेज तो कभी मध्यम दर्जे की बारिश होती रही। दोपहर बाद बारिश का दौर थम गया, लेकिन शाम 4 बजे बाद फिर से आसमान में घटाएं छा गई। 10 मिनट तेज बारिश हुई, एक बार फिर से 6 बजे से तेज बारिश शुरू हुई जो आधे घंटे तक चली। बारिश से शहर की सड़कों पर पानी बह निकला। शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव होने से आवाजाही में लोगों को दिक्कत हुई। मौसम विभाग के सहायक पर्यवेक्षक बजरंगलाल जाट ने बताया कि जिला मुख्यालय पर पिछले 24 घंटे में 70 एमएम बारिश दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 60 एमएम बारिश दर्ज की गई, इसके बाद शाम को 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मलारना डूंगर में सबसे कम पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश सवाई माधोपुर ब्लॉक में 70 एमएम दर्ज की गई। वहीं मल्लारना डूंगर में सबसे कम 2 एमएम बारिश हुई। सवाई माधोपुर तहसील के बाद चौथ का बरवाड़ा में 40 मिलीमीटर बरसात हुई। कटौती बनी बैरन, जिला मुख्यालय पर शाम को बारिश थमने के बाद बिजली कटौती बैरन बनी रही। बार बार बिजली गुल होने से शहरवासी परेशान रहे। लोगों ने बताया कि बिजली निगम की ओर से मनमर्जी से बिजली काटी जा रही है, हेल्पलाइन पर भी फोन नहीं उठाते हैं। लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, कहां कितनी बारिश। 24 घंटे शहर बारिश सवाई माधोपुर तहसील 70 माना टाउन क्षेत्र में 33, गंगापुर सिटी 23, वजीरपुर 10, चौथ का बरवाड़ा 40, बाम नवास 28, मलारना डूंगर 2 दिन भर की उमस से शाम को मिली राहत। चौथ का बरवाड़ा कस्बे में शुक्रवार को दिन भर उमस रहने के बाद शाम को हुई बारिश से राहत मिली। झमाझम बारिश से कस्बे की सड़कों पर पानी बह निकला। खंडार कस्बे में शुक्रवार सुबह से ही मौसम सुहावना रहा, दोपहर बाद ही कस्बे में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया, इसके बाद शाम तक कभी तेज कभी मध्यम बारिश चलती रही। तहसील के अनुसार कस्बे में 5 मिमी बारिश दर्ज की गई।